नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। बिहार की नीतीश सरकार में कानून मंत्री बने कार्तिकीय सिंह विवादों में घिर गए हैं। खबर है कि उनके खिलाफ अपहरण के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। इसके मुताबिक उन्हें 16 अगस्त को ही कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसी दिन कार्तिकीय सिंह राजभवन में मंत्री पद की शपथ दे रहे थे। कार्तिकेय सिंह पर क्या मामला है वो जान लेते हैं। साल 2014 में राजीव रंजन नाम के एक व्यक्ति का अपहरण किया गया था। इस मामले में दर्ज FIR में अपहरण के आरोपियों में कार्तिकेय सिंह का नाम भी शामिल है। अब ये केस अदालत में लंबित है, इसी सिलसिले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। वही मीडिया में कोर्ट का वो आदेश भी सामने आया है जिसके मुताबिक कार्तिकेय सिंह को 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है। 12 अगस्त 2022 के इस आदेश में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 1 सितंबर तक कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। राज्य के कानून मंत्री के खिलाफ ही वारंट जारी हुआ तो बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी RJD पर हमले तेज कर दिए हैं। राज्य के पूर्व CM सुशील मोदी ने आज तक से बातचीत में कहा कि जब कार्तिकेय सिंह को सरेंडर करना था तो उन्हें राजभवन कैसे पहुंचा दिया गया। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार को ये सब रोकना चाहिए, ये किडनैपिंग के मामले में फरार हैं, इनको तो सरेंडर करना था और ये शपथ लेने चले गए। क्या नीतीश कुमार को ये मालूम नहीं है, CM जब किसी को शपथ दिलवाता है तो उसकी हर तरह से जांच होती है, तो नीतीश जी को नहीं पता कि ये कार्तिकीय कौन व्यक्ति हैं। ऐसे आदमी को कानून मंत्री बना दिया इसलिए ताकि RJD से जुड़े आपराधिक मामलों वाले नेताओं, वो चाहे ललित यादव हों, सुरेंद्र यादव हों, के मुकदमे खत्म करवाए जाएं। वही रविशंकर प्रसाद ने कहा, कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका क्यों एंटरटेन की, क्या मतलब है इसका? आपको सरेंडर करने को कहा गया, आपने नहीं किया। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट की साइट पर उपलब्ध नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी एंटिसिपेटरी बेल 2017 में रिजेक्ट कर दी गई थी, वो सरेंडर नहीं करते। उनकी अप्लीकेशन भी पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, तो फिर 12 अगस्त को ये आदेश कहाँ से आ गया? क्योंकि उनका मामला बन गया था मंत्री बनने का, उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था, लेकिन मंत्री कैसे बनते, इसलिए ऐसा आदेश दिखाया जो गैर कानूनी है। रविशंकर प्रसाद ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस मामले में कार्रवाई कराई जाए। बोले कि ये बहुत गंभीर केस है जिसमें आरोपी को लंबा कारावास हो सकता है। इसके बाद वरिष्ठ BJP नेता ने CM नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा कि उन्हें अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखानी चाहिए, जैसी उन्होंने BJP का साथ छोड़ने में दिखाई। रविशंकर ने कहा कि नीतीश सत्ता के लिए समझौता कर रहे हैं और खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पहले इसका पता करूंगा, फिर जवाब दे सकूंगा। अंत में जान लेते हैं कि कार्तिकेय सिंह कौन है। कार्तिकेय सिंह RJD के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं यानी MLC हैं। कार्तिकेय को बाहुबली नेता आनंद सिंह का करीबी माना जाता है, जो भी जेल में है। बताया जाता है कि उनकी गैर मौजूदगी में कार्तिकेय ही आनंद सिंह का कामकाज देखते हैं, वो आनंद सिंह के चुनावी रणनीतिकार भी बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिकेय सिंह कभी पढ़ाने का काम करते थे, इसलिए लोग उन्हें मास्टर साहब भी कहकर पुकारते हैं। 2005 में आनंद सिंह से ताल्लुक होने के बाद कार्तिकेय राजनीति में उतर गए। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो RJD में आ गए। वहीं 2022 में विधान परिषद के लिए चुने गए और बाद में नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। मोकामा के रहने वाले कार्तिकेय के गांव का नाम शिवनार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 में उन्होंने मोकामा के रुद्रावती हाई स्कूल से मैट्रिक की, बाद में इंटर किया। फिर 1985 में RSS कॉलेज से आर्ट साइड में ग्रेजुएशन किया। उनकी पत्नी रंजना कुमारी गांव की मुखिया रही हैं। बताया जाता है कि कार्तिकेय के खिलाफ पटना के कोतवाली समेत मोकामा और भेटा में भी मामले दर्ज हैं। मंगलवार को शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं। उन्होंने चुनावी हलफनामे में सारी जानकारी चुनाव आयोग को दी है। बोले कि चुनाव आयोग से कुछ छुपा नहीं है और वो खुद को बेकसूर मानते हैं। आरोप लगने और साबित करने में अंतर है। कार्तिकेय सिंह ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जवाब आएगा, वो आपको हम बताएंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।